नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां खेती किसानी से संबंधित तमाम अलग अलग विषय लेकर आपके सामने होते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हेलो किसान में, आइए डालते हैं उस पर नजर। आज का हमारा विषय पॉली हाउस में फूलों की खेती, साथ ही बात करेंगे पहाड़ी इलाकों में आलू की खेती पर। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पॉली हाउस की बात करें तो आज के समय में पॉली हाउस समय की मांग भी है, और अगर हमारे किसान अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो पॉली हाउस में खेती कर किसी भी मौसम में कोई भी फल सब्जी या फूल बाजार में उपलब्ध करा सकते हैं और अच्छे दाम भी ले सकते हैं। और साथ ही हम आलू के बारे में बात करेंगे, विशेष तौर पर पहाड़ी इलाकों में आलू की खेती को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी किस्में कौन सी हैं, वहाँ की स्थिति की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है दोनों ही विषय से जुड़े हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1-800-113-060, दूसरा नंबर है 1-800-113-061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाकर अपने सवाल और अगर कोई आशंका है तो उसके समाधान के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात करें। दो विशेषज्ञ हमारे साथ अगले एक घंटे तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, पूरे एक घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं दोनों ही मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु जैन हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आप, पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। ऋतु जी, खासतौर पर पॉली हाउस में कैसे फूलों की खेती कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे, इससे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में। जी अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैम, सुन पा रहे हैं जी। अनिल जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे हम पहाड़ी इलाकों में आलू की खेती पर चर्चा करेंगे और आपसे जो हमारे दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दोनों विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है, और चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले पॉली हाउस में फूलों की खेती पर बात कर लेते हैं। ऋतु जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पॉली हाउस आज के समय की मांग भी हो चली है, क्योंकि आज का कंज्यूमर काफ़ी जागरूक है, उसे हर मौसम में हर चीज़ चाहिए और वो मुँह मांगे दाम भी देने के लिए तैयार है। ऐसे में पॉली हाउस में फूलों की खेती की क्या उपयोगिता है और अभी हम कहाँ हैं? जी देखिए, जहाँ तक पॉली हाउस में खेती करने की बात है तो अभी हम सब लोग जानते हैं कि फूलों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हर कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल लेना चाहता है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि किसानों को भी अच्छे से अच्छे अधिक से अधिक लाभ हो, तो इसलिए पॉली हाउस में या संरक्षित खेती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संरक्षित खेती करने से फूलों की क्वालिटी अच्छी रहती है, उनमें बीमारी और कीट का प्रकोप कम होता है, जिसकी वजह से फूलों की गुणवत्ता अधिक अच्छी बनती है, और साथ ही साथ फूलों के आकार में और उनकी जो लंबाई होती है, स्पेशली कट फ्लावर जो डंडल वाले फूल या डंडी वाले फूल जिन्हें कहते हैं, उस तरह के फूलों की खेती जो है हम पॉली हाउसेस में करते हैं, और उसी फूलों की जो निर्यात है वो मार्केट में किया जाता है। तो जो लोग निर्यात करके फूलों से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए पॉली हाउस में खेती करना बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ हमारे जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास छोटी जोत वाले किसान हैं, जिनके पास ज़मीन कम है, वो लोग भी संरक्षित खेती में का फ़ायदा उठा सकते हैं पॉली हाउस में खेती करके। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि संरक्षित खेती के लिए सरकार भी बहुत ही ज़्यादा अनुदान देती है, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, और हर राज्य के ऊपर ये निर्भर करता है, कहीं पर 50% का अनुदान मिलता है और कहीं पर 80% मिलता है। केंद्र राज्य की अपनी अपनी स्कीम्स भी होती हैं, जी भी लाभ ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो पॉली हाउस में फूलों की खेती पर आज हम बात कर रहे हैं, और किस किस तरह की वैरायटी लें, कौन से फूलों की ज़्यादा पॉली हाउस में खेती सक्सेसफुल है। जैसा कि ऋतु जी बता रही हैं कि पॉली हाउस में खेती जो होती है फूलों की, वो कंट्रोल कंडीशंस में होती है, और ऐसे में फूलों की गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर होती है, और इसीलिए बाज़ार में आपको दाम भी बेहतर मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। परंपरागत खेती के मुकाबले पॉली हाउस में खेती करने से किसानों को 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। पॉली हाउस की खासियत ये है
कि किसान ऑफ सीजन में भी फसल का अच्छा उत्पादन हासिल कर पाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक फायदा होता है। यही कारण है कि किसान अब धीरे धीरे पॉलीहाउस में खेती करने के महत्व को समझने लगे हैं और साथ ही इसे अपनाने भी लगे हैं। पॉलीहाउस में फूलों की खेती की बात करें तो ये किसानों के लिए बेहद फायदे का सौदा है, क्योंकि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। ऐसे में पारंपरिक फसलों के अलावा फूलों की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बात अगर पॉलीहाउस में फूलों की खेती की करें तो ये कृषि का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, ज्यादा बरसात, ओले और पाले से पौधों का बचाव किया जाता है। पौधों को दिया जाने वाला संरक्षण उनकी बढ़वार में मददगार साबित होता है। पॉलीहाउस में फूलों की खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाली और ज्यादा पैदावार आसानी से हासिल की जा सकती है, जिसका कारण पॉलीहाउस में तापमान, नमी, हवा का बहाव, रोशनी की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का नियंत्रित रहना है। पॉलीहाउस में पौधों की बढ़वार के लिए सही अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती हैं, जिस कारण किसान अधिक उपज हासिल कर बाजार से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि पॉली हाउस में अनुकूल परिस्थितियां बनाई जाती हैं, यानी कितना तापमान हो, किस तरह से सिंचाई की जाए, तमाम चीज़ें बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहती हैं और इसीलिए जैसी आप फसल चाहते हैं उस वो भी आप पा सकते हैं और इसीलिए इसे कहते भी हैं संरक्षित खेती। चलिए बात करते हैं अनिल जी से। डॉक्टर अनिल हमारे साथ बने हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। अनिल जी, जैसे कि हम पहाड़ों में आलू की खेती की बात कर रहे हैं, आलू बहुत कमर्शियली बहुत अच्छी फसल है और हम जानते भी कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है, लेकिन जब हम पहाड़ों का जिक्र करते हैं तो मैदानी इलाकों से पहाड़ों में ऐसा क्या फर्क हो जाता है? मैडम, अगर जैसे आलू की आपने जिक्र किया, पहले तो मैं आलू के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में लगभग 80% जो आलू की पैदावार होती है वो मैदानी क्षेत्र में होती है और जो लगभग 20% है वो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे की हमारे उत्तर पश्चिम हिमालय के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र हैं या फिर आपकी नीलगिरी पहाड़ियां हैं, इनमें जो है हम लोग जो है पहाड़ी आलू लगाते हैं। और ये जो आपका मैदानी आलू की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये ज्यादातर हम लोग सर्दियों के मौसम में, रबी मौसम में लगाते हैं। और जो हमारे ये जो मैंने पहाड़ी क्षेत्र बताए हैं उनमें हम लोग आलू, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफी होती है इन क्षेत्रों की, और जो है वो हम लोग इनको समर में लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग अगर बात करें अगर 1600 मीटर से ऊपर की एरिया के बारे तो उसमें दो तरह के टाइम है, एक तो आपका मार्च अप्रैल में लगाते हैं आलू बिजाई करते हैं, दूसरा जो हमारा 2400 मीटर से ऊपर वाले जो शुष्क क्षेत्र है उनमें हम लोग जो है वो मिड अप्रैल से लेके जो है मध्य मई तक जो है उसमें लगाते हैं। और ये लंबी अवधि तक थोड़ा बहुत चलता है, तो ये सर्दियों की बजाय जो है ये कम अवधि में लगता है, मतलब इसकी अवधि कम होती है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो गुणवत्ता के हिसाब से ये मैदानी वाला जो आलू है उससे जो है गुणवत्ता वाइज जो है ये बहुत अच्छा आलू होता है जो पहाड़ी आलू होता है, और इसकी हमारे बाजार में भी डिमांड ज्यादा है और किसानों को जो है वो अच्छे रेट मिलते हैं। जी बिल्कुल, तो किसानों को अच्छे रेट मिलते हैं और जैसे कि बता रहे हैं कि 20% जो हमारे यहाँ आलू पैदा होता है वो पहाड़ी इलाकों में होता है और 80% मैदानी इलाकों में, और क्या फ़र्क है ये भी हमने जाना भी चौधरी जी से। तो चलिए इससे जुड़े पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली सब्जियों में आलू बहुतायत में पाया जाता है। आलू में गुणों का भंडार होता है, इसे किसी भी सब्जी में मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है। आलू में कैल्शियम, विटामिन बी तथा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आलू में पाए जाने वाले गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में इसकी खेती कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। वैसे तो आलू की खेती मैदानी इलाकों में भी की जाती है, लेकिन आज बात हमारे देश के पहाड़ी इलाकों में आलू की खेती के बारे में। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से मई के बीच पहाड़ी आलू की खेती की जाती है। यहाँ लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलूओं की खेती की जाती है, जिससे 2,05,000 टन उत्पादन हासिल होता है। यहाँ पाई जाने वाली आलू की प्रमुख किस्में हैं कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी हिमालिनी और कुफरी करण। पहाड़ी इलाकों में आलू की खेती करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जिससे उन्हें पैदावार ज्यादा हासिल हो सके।
जैसे कि पहाड़ी इलाकों में आलू की खेती के लिए अच्छे पानी निकास वाली दोमट मिट्टी का चुनाव करें। आलू की बिजाई से पहले खेत की अच्छी तरह से 2 से 3 बार जुताई जरूर कर लें। इसके बाद पाटा चलाएं। आलू को 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं और खेत की विपरीत दिशा में बुआई करें। कंध से कंध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। साथ ही बिजाई के तुरंत बाद मेड़े बना लें। उचित समय पर निराई गुड़ाई करें। आलू में कीट लगने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो आलू पर अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी और आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस विषय पर वो अपना सवाल रखना चाहते हैं। सुशांत जी हैं उड़ीसा से। सुशांत जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी फूलों के बारे में जानना था। पॉली हाउस में किसकी खेती के बारे में? जरबेरा फूल के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, और ओडिशा से हैं। जी सुशांत जी, जरबेरा की खेती जो है ये बहुत ही लाभदायक है और आप पॉली हाउस में जरबेरा को लगा सकते हैं। और जरबेरा जो है वो फरवरी मार्च के महीने में लगाया जाता है और दूसरा आप इसको जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। जरबेरा को लगाने के लिए हम सकर्स का इस्तेमाल करते हैं और जरबेरा की वैरायटीज़ जो हैं वो आपको विभिन्न रंगों की जरबेरा की वैरायटीज किस्में जो हैं वो आप लगा सकते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से। जिस भी कलर की मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से आप जरबेरा की किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जब भी आप जरबेरा लगाएं तो आप उसको उठी हुई ऊंची क्यारियों में लगाएं जिनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो ताकि उस क्यारी में से पानी का निकासी अच्छे से हो सके और पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो। और जब भी आपको जरबेरा लगाना है तो हमेशा मृदा रहित अगर मिश्रण आप यूज़ करें, यानी कि मिट्टी की जगह कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, इस तरह की जो मीडिया है आर्टिफिशियल मीडिया उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जरबेरा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसमें रोगों और कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं होता। और जरबेरा में एक जड़ गलन यानी कि जड़ गलन और तना गलन का रोग होता है जो कि मिट्टी में विद्यमान जीवों की वजह से होता है। तो अगर मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो बहुत बार मिट्टी को हमें स्टरलाइज करना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि मृदा रहित या मिट्टी रहित हम मीडिया का प्रयोग करें जिससे कि हमें जितनी भी मिट्टी से पैदा होने वाले रोग हैं वो हमारी क्रॉप को ना लगें। और साथ ही साथ जब इनकी हम प्लांटिंग की बात करते हैं तो रोपाई हमें करनी है, पौधे से पौधे की दूरी हमें 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है और एक रो से रो जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर आप यानी क्यारी से क्यारी की दूरी 40 सेंटीमीटर जी, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखनी है। और जरबेरा को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और कोशिश करें कि हम टपक सिंचाई का प्रयोग करें पानी के लिए ताकि 400 से 500 ml प्रति लीटर जो 400 से 500 मिलीलीटर पानी जो है वो जरबेरा को एक दिन में चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखकर अगर जरबेरा उगाएंगे तो आप जरबेरा की बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं और जरबेरा के बहुत अच्छे फूल जो हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। जी अनिल जी से बात करते हैं। अनिल जी, अब जैसे हम आलू की बात कर रहे हैं तो अभी जो हमारे दर्शक हमारे किसान देख रहे हैं हेलो किसानों को और आलू की खेती की हम बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करें, किन बातों का शुरुआत में ध्यान रखना ज़रूरी है? तो बात आती है कि जब भी किसान आलू के बारे में सोचे तो उसको उस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी उपयुक्त होगी उसके बारे में जानकारी ले लें और जितना जल्दी हो सके जो है वो अपने आलू का बीज प्रोक्योर करें क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है इसमें लगभग हमारा 20 से 25 क्विंटल जो बीज है वो एक हेक्टेयर में लगता है और आलू का बीज एक अच्छे सोर्स से लेना पड़ता है। जैसे
हमारा जो आलू अनुसंधान संस्थान है आईसीएआर का, इसके जो केंद्र हैं अलग अलग जगह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो वहां से प्रोक्योर कर सकते हैं किसान। और दूसरा कृषि विभाग से ये बीज लेना पड़ता है क्योंकि इसका और कोई अच्छा सोर्स नहीं है। तो विश्वसनीयों से बीज का इंतजाम करें, और जैसे ही सोइंग की जो विंडो आती है उसमें जो है पहले तो आप लोग एमबी प्लो से एक गहरी जुताई कर दे किसान, उसके बाद कल्टीवेटर से दो जुताई करे, और उसके बाद जो है रोटावेटर लगा के जो है खेत को बिल्कुल पैटा लगा के तैयार कर दे। और उसके बाद आती है हमारा जो देसी खाद, क्योंकि ये ऐसी फसल है ये आलू, क्योंकि जमीन में ये पैदावार देता, तो जो खेत की स्थिति है उसकी जो भौतिक संरचना है वो ठीक रहनी चाहिए, उसमें अच्छा गोबर डालें ताकि जो है पौधे को जो है वो सारे ही पोषक तत्व मिल रहे हैं। उसके अलावा हमारे को जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग इसकी डोजेस हैं। अगर हम लोग हिमाचल या उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हमें जो है वो 120 से 150 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रति एक हेक्टेयर में, और 80 से 100 किलो फास्फोरस की, और 100 ही किलो जो है वो पोटाश की प्रति हेक्टेयर जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग खेत तैयार करते हैं तो जो है वो आपने जो है वो ये डाल दिया हुआ है गोबर की खाद डालती है, और उसके बाद जब आप लोग बिजाई कर रहे होते हैं आलू की जो लगा रहे होते हैं उसमें जो है हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटेशियम की जो है वो पूरी मात्रा डालनी पड़ती है। एक और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आलू का जब हम लगा रहे होते हैं तो उसमें जो है आलू का जो साइज है वो मिनिमम 30 ग्राम का एक आलू का साइज, बीज आलू का साइज होना चाहिए, और उसमें मिनिमम जो है दो आंखें होनी चाहिए। और जब हम लगा रहे थे उसके अलावा हम लोगों को जब भी आलू लगाना है तो हमें उसको ट्रीट करके लगाना है। जैसे अभी मैडम रितु जैन ने बताया कि हम लोगों को जो है वो दवाइयों का या जो बीज को जो है वो बीमारी रहित रखनी है, जैसे अपन इसमें फसलों में भी जो हमारी फूल की फसलें हैं वैसे आलू में जो है वो कई रोग जो है वो चिपके, क्योंकि मिट्टी चिपकी होती है उसके साथ रोग चिपके होते हैं, तो हमें आलू को ट्रीट करना है। जैसे डाइथेन M45 है या फिर इंडोफिलेम 45 है, कार्बन डाइजीन है, इसका 0.05% का घोल बना के उसमें आलू को जो है डुबो के रखें 15-20 मिनट, उसके बाद हम लोग आलू को जो है वो खेत में रुपाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग आलू के लगाते समय जो है वो ध्यान में रखते हैं। और हमेशा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है बरसात में, तो इसमें जो है वो हमारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो पिछेता जो झुलसा रोग है वो ज्यादा आता है। तो हम लोगों को जो है बिल्कुल जो रोग रोधित जो किस्में हैं जैसे कि कुफरी कर्ण है, फिर कुफरी किरदारी है, फिर उसके बाद कुछ हद तक जो बिल्कुल, तो रोगों के बारे में भी हम आपसे जी अनिल जी रोगों के बारे में भी जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे हमने बीज ले लिए, अच्छी तैयारी कर ली खेत की, लेकिन जब रोग आपकी फसल पर हावी हो जाते हैं तो हमारे किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जानेंगे आगे आपसे कि कौन कौन से रोग आ सकते हैं और उनको लेकर हमारे किसान कैसे तैयारी रखें, कैसे उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं, सचेत कैसे रहें, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे हेलो किसान, छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस, और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस में कैसे हमारे किसान फूलों की खेती कर लाभ ले सकते हैं और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे करें आलू की खेती। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और हमारे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए इनका एक विशेष स्थान है। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक हैं जिन्होंने दिल्ली के नजफगढ़ से हमें कॉल लगाया है। आइए बात करते हैं, विवेक की स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, पॉली हाउस लगाने के लिए दिल्ली में सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती है? जी रितु जी, पॉली हाउस में आप फूलों की खेती करना चाहते हैं विवेक जी? हाँ जी, फूलों की खेती के लिए। जी विवेक जी, दिल्ली में अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं वो भी पॉली हाउस में, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर अगर हमें सबसे पहले ये चुनाव करना होगा कि कौन सी हम फसल उगाएं, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जैसे गुलाब है, कार्नेशन है, तो इस तरह की फसलें दिल्ली में बहुत, क्योंकि तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो वो नेचुरल पॉली हाउस में हम नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें हाईली सोफिस्टिकेटेड फैन और पैड सिस्टम वाला जो पॉली हाउस है वो बनवाना पड़ता है। तो जो फैन एंड पैड पॉली हाउस होता है वो 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसका खर्चा आता है। तो और जो अगर आप किसी और क्रॉप जैसे जरबेरा है और गुलदाउदी है, इस तरह की फसलों की आप खेती इसमें करना चाहते हैं पॉली हाउस में, तो इस तरह के जो पॉली हाउस हैं वो उन्हें नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं और इनको बनाने का खर्चा जो है तकरीबन 400 से 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आता है। और संभवतः बाकी जैसे राज्य सरकारें अनुदान देती हैं तो दिल्ली सरकार भी इस क्षेत्र में अनुदान देती है और शायद 50% तक जो है दिल्ली सरकार अनुदान देती है। इसके लिए आप जो राज्य सरकार है, राज्य के उद्यान विभाग हैं, उनके उद्यान अधिकारियों से मिलकर एक बार आप बात कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से वो उनसे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली सरकार आपको कितना अनुदान देगी और क्या क्या आपकी मदद कर सकती है पॉली हाउस लगाने में। जी चलिए बात करते हैं एक और कॉलर से, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, आइए उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पॉली हाउस में खेती करने के लिए एक सफल किसान को पॉली हाउस में किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए कि उसमें कई प्रजाति के बौने, एक बौना पौधा होता है, एक मध्यम पौधा, एक बड़ा पौधा होता है, इसे कौन से हमें फूल के पौधे का चुनाव करना चाहिए जो पॉली हाउस में किया जा सकता है जिसे हम सफल किसान बन सकें। जी जी नंद स्वरूप जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। आप जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस में किस प्रकार की प्रजातियों का आपको चयन करना चाहिए, ये एक बहुत ही प्रमुख विषय है। और हमें जब भी पॉली हाउस में कोई भी प्रजाति लगानी है हमें ये देखना है कि वो प्रजाति हमारे पॉली हाउस के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो बाज़ार है, बाज़ार में आपकी किस तरह की फूलों की मांग है, क्या लंबी डंडी वाले फूलों की मांग है या छोटी डंडी वाले फूलों की मांग है, बाज़ार में जो भी फूल बिक रहा है उसका क्या मूल्य है। अगर जैसे हम गुलाब की बात करें, गुलाब में लंबी डंडी वाले फूल जो होते हैं या लिलियम है, वो लंबी डंडी वाले फूलों का मूल्य जो है वो बहुत अधिक होता है। और ऐसे ही कार्नेशन और क्राइसेंथेमम के भी लंबी डंडी वाले जो फूल हैं उनका मूल्य अधिक होता है। तो मुख्यतः यही देखा जाता है कि लंबी डंडी वाले फूल अगर हम उगाएं पॉली हाउस में तो हमें अधिक लाभ होगा। और साथ ही साथ इसमें अगर हम पॉली हाउस में खेती करते हैं तो हमें दो या तीन ग्रेड्स के भी फूल मिल सकते हैं हमारी कटाई के हिसाब से। जैसे हम पहली कटाई करेंगे तो आपको सबसे अच्छी उत्तम गुणवत्ता वाले फूल मिलेंगे और आपको सबसे ज़्यादा लंबी डंडी मिलेगी। और हो सकता है जब आप तीसरी बार आप अपनी फसल काटें तो थोड़ी डंडी की लंबाई कम हो जाए, पर अच्छा यही रहेगा कि लंबी डंडी वाले फूलों का चुनाव करें और किस्म वही लें जो उपयुक्त है पॉली हाउस के लिए, पॉली हाउस के लिए नामित किस्में हैं और जो बाजार में पॉली हाउस के लिए नामित किस्में उपलब्ध हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, जो हमारी खुले खेत के लिए किस्में हैं उनका इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, तो पॉली हाउस के लिए मतलब अलग तरह की किस्में होती हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है।
ये हमारे दर्शक थे जिन्होंने पॉली हाउस के बारे में जानना चाहा था, फूलों की खेती के बारे में। अनिल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बीमारियों की बात कर रहे थे कि आलू में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और इनके संकेत कई बार किसान नहीं समझ पाते, या फिर जब तक समझ आता है कि बीमारी कितनी गंभीर है फसल के सेहत के लिए, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके बारे में आप कुछ बातें बता रहे थे, जो कि बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ गया था। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि जब भी किसान पहाड़ी क्षेत्रों में या इवन मैदानी क्षेत्रों में भी जब आलू लगाता है, तो इसके लिए उसको जानना जरूरी है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में, तो यहाँ पर क्योंकि बरसात के मौसम में जब आलू की जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो उस टाइम बारिशें बहुत आती हैं, टेम्परेचर भी गर्मी में थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें जो है वो एक पछेता झुलसा रोग लगता है। तो ये पूरे भारत की समस्या है, ये मैदानी क्षेत्रों की भी समस्या है और पहाड़ी क्षेत्रों की भी, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब क्योंकि ये ग्रीष्म काल में लगते हैं आलू, तो इसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो हमें जो है रोगरोधी जो वैरायटीज हैं उनका इस्तेमाल करना है। मैंने पहले थोड़ा बहुत पहले बताया था कि हमें जो कुफरी गिरदावरी है एक, उसमें अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है इस बीमारी के लिए, दूसरी कुफरी कर्ण है, और उसके अलावा जो है कुछ हद तक कुफरी हिमालनी करके एक वैरायटी आती है, उसमें भी मीडियम किस्म की जो है रोधक क्षमता है। और एक और वैरायटी किसान लगाते हैं हमारे क्षेत्र में, पूरे भारत में ये पॉपुलर है, उसका वैरायटी का नाम है हमारा, उस वैरायटी का जो नाम है वो कुफरी ज्योति है, क्योंकि इसमें ज्यादा जाता है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रबंधन करना पड़ता है। सबसे पहले बात आती है, हमने सी ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बचाव कर देती है। उसके अलावा अगर ये पछेता रोग हमारा आता है, तो इसमें जो है हम लोग स्प्रे कर सकते हैं रिडमोल MZ78 जो है, इसकी जो है वो 0.15% का जो घोल बना के जो है इसको 15 दिन के अंतराल पे हम लोगों ने इसकी स्प्रे करनी है। उसके अलावा हमारे पास डाइथेन M45 कार्बेंडाजिम जैसी दवाइयां हैं, इसका भी जो है हम लोगों को 0.2% का घोल बना के जो है एक हफ्ते के अंतराल पे जो है इसका स्प्रे करना है। इस तरीके से जो है हम लोग इस बीमारी से जो है बच सकते हैं। एक और वैरायटी जो मैं बताना चाहूंगा नीलगिरी, जिसमें हमारे एक सिस्ट नेमेटोड आता है, तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा रोधक एक वैरायटी, उसका नाम है कुफरी सुवर्णा, उसको भी किसान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छी वैरायटीज लगा के और कुछ हमारे फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करके जो है हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। जी, एक दर्शक है नईमुद्दीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर, आए बात करते हैं। हेलो, हेलो मैम, हेलो नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आलू किसान में। बताइए सर, क्या सवाल है आपका, जहाँ से उत्तर प्रदेश से आपने हमें कॉल किया है। हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आलू जो है हमारा हरा ना हो, क्योंकि हरा आलू खाने योग्य भी नहीं रहता और बिक्री पर भी इसका प्रभाव पड़ता जी, है जी, जी, जी। तो जिससे जो है उसकी आय में भी प्रभावित होती है किसान की, तो हरा आलू का रंग ना होने पाए, इसके लिए क्या विकल्प है, क्या डॉक्टर अनिल क्या बताना चाहेंगे कि जो हरे आलू की बात करें, हालांकि कहते हैं कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन जैसे बता रहे हैं कि बाजार में भाव भी अच्छा नहीं मिलता, स्वाद में भी थोड़ा सा कसैला होता है, ये क्या बताना चाहेंगे? किसान भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें एक सोलेनियम नाम का, जब भी हम लोग आलू लगाते हैं और कहीं ना कहीं से अगर हमने अच्छी मिट्टी नहीं चढ़ाई है आलू में, तो जब आलू की वर्किंग स्टेज आती है, भराव की स्टेज आती है, तो उसमें जो है वो आलू बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, और जब इनकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सोलेनियम कंटेंट इसमें ये जो है डल्प हो जाता है, हरापन आ जाता है। और ये जो हरापन होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, जब हम आलू को बॉयल करते हैं या पका के खाते हैं, तो उसमें जो है वो कई किसानों को जो है सॉरी कई जो खाते हैं लोग, उनको जो है वो डाइसेंट्री शुरू हो जाती है या कहीं ना कहीं जो है वो टॉक्सिसिटी होती है बॉडी में, और वो सेहत के लिए सही नहीं है। जी, जी। तो इसके लिए बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि आलू के ऊपर अच्छी मिट्टी चढ़ाएं, जब भी हम लोग आलू के लगाते हैं, और आज की डेट में जो है वो जीरो टिल्ड आलू भी शुरू हो गया, जिसमें जो हम लोग बगैर जुताई किए के आलू के ऊपर जो है वो घास फूस डाल के या धान की जो बॉयली होती है उसको डाल के जो है आलू लगाते हैं, तो जब ये एक्सपोज होता है तो ये सोलेनियम बनता है। तो हमें मिट्टी चढ़ानी है या अच्छी मल्चिंग करनी है, जिससे जी है डायरेक्ट सनलाइट जो है आलू के ऊपर ना गिरे और सोलेनियम नहीं बने। और मार्केट में क्योंकि किसान भाई ने बड़ा अच्छा बोला,
कि भाई इसके जो है मार्केट में प्राइस नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी ऐसे आलू को खरीदना नहीं चाहता है। तो इसका एक ही बचाव है कि अच्छी मिट्टी चढ़ाएं, और जहां पर हम लोग जीरो टिल्ड आलू लगा रहे हैं वहां पर हम लोग इस पे मल्चिंग करें और ये सोलन कंटेंट ही बनने ना दें। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था हमारे दर्शक का। और कई बार जैसे कि हमें अनिल जी ने बताया कि जब ये मिट्टी से बाहर हो जाता है आलू, उस वक्त ये समस्या आती है, आलू हरा हो जाता है। तो मिट्टी अच्छे से चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार में ग्राहक भी इसे पसंद नहीं करता, और ऐसे में किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम फूलों की खेती की बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर पॉली हाउस में, कौन कौन सी किस किस तरह के फूल हैं, जो हम कट फ्लावर्स की बात करते हैं या फिर कमर्शियल फ्लावर्स की बात करते हैं, कौन कौन से फूल हैं जिन्हें पॉली हाउस में ही करना चाहिए और वहीं पर ये ज़्यादा कामयाब है? जी अगर हम बात करें फूलों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जिन फूलों का भी हम निर्यात करना चाहते हैं या जो हम बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले फूल लेना चाहते हैं, उनको हम पॉली हाउस में उगा सकते हैं। इनमें मुख्यतः हैं गुलाब और कार्नेशन, गुलदाउदी, जरबेरा, ऑर्किड्स और लिलियम। ये क्रॉप्स हैं जिनको हम पॉली हाउस में उगाएं तो हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और उस अच्छी क्वालिटी से क्या होगा कि किसान की आय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साथ ही साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगी आपको, मतलब उपज भी अधिक मिलेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसान जो है अधिक जो उसका खर्चा है बीमारी के लिए कंट्रोल करने के लिए या कीटों का कंट्रोल करने के लिए, तो उसे बीमारी और कंट्रोल बीमारी और कीटों का निवारण करने के लिए बहुत ज़्यादा कीटनाशक और फफूंदीनाशक पे पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। इससे देखिए पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी लागत भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई कीटनाशक बहुत महंगे आते हैं आज के समय में। जी तो किसान को अच्छा फूल मिलेगा, और साथ ही साथ अगर वो किसी कंज्यूमर के पास भी जाता है तो वो भी उसको पसंद करता है। क्योंकि अगर हम बात करें निर्यात की, तो आज के समय में जब भी हम निर्यात करते हैं तो हर फसल में एक निम्न मात्रा होती है कि इतना इतने मात्रा से अधिक, इतने पीपीएम से अधिक ये कीटनाशक या कोई फफूंदी नाशक हमारे क्रॉप में नहीं होना चाहिए, रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रेजिड्यू होता है तो हम अपनी क्रॉप को, फसल को निर्यात नहीं कर सकते। तो ये मात्रा फूलों में तो कम है, परंतु अगर हम बाकी पॉली हाउस की फसलें जैसे सब्जी और फलों की बात करें तो उनमें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो चीज़ें हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उन्हें हम खाते हैं। पर फूल क्योंकि हम खाते नहीं हैं, पर फिर भी फूलों का हम इस्तेमाल जो है हर इंसान करना चाहता है, और तो इसलिए किसान जो है अगर पॉली हाउस में उगाएगा तो उसको पूरे वर्ष भर क्रॉप मिलेगी, ऑफ सीजन प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, मतलब सारा साल किसान उपज ले सकता है, अच्छी गुणवत्ता वाली उपज ले सकता है और फूलों को निर्यात कर सकता है। तो साथ ही साथ उसको किस्मों का चुनाव जो है वो बहुत अच्छे से करना है, और हो सके तो मृदा रहित यानी कि आर्टिफिशियल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल करें तो पॉली हाउस में बहुत अच्छी खेती की जा सकती है और हमारी जो आय है वो बढ़ाई जा सकती है। जी बिल्कुल, तो अभी आपने जाना कि कैसे पॉली हाउस में कामयाबी के साथ आप खेती कर सकते हैं फूलों की, और आय कैसे हमारे किसानों की बढ़ सकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा, दोनों ही विषय पर विशेषज्ञ हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। अगर अभी आपने हमें कॉल नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, आपसे ज़रूर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं,
तेरे बिजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है पॉली हाउस में फूलों की खेती, और साथ ही पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में विशेष तौर पर कैसे हमारे किसान आलू की फसल ले सकते हैं, आलू की खेती कैसे करें। और हम लगातार दर्शकों की कॉल ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें फ़ोन नहीं किया है, कोई आपका सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करें। दोनों नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, यहाँ से आप हमारा नंबर नोट करें और हमें कॉल करें। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं डॉक्टर रितु से। डॉक्टर रितु, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन से फूल हैं जिनकी ज़्यादा मांग भी रहती है और पॉली हाउस में ये इनकी खेती कामयाब भी है, और हम देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर दर्शकों का सवाल यही होता है कि अनुदान कितना होगा, तो क्या पॉली हाउस में खेती करना बहुत महंगा होता है? क्योंकि एक यही किसानों के दिमाग में सोच बनी हुई, एक परसेप्शन बना हुआ कि पॉली हाउस की खेती आम किसानों के लिए नहीं है। देखिए, पॉली हाउस में खेती जब हम करते हैं तो ये तो सुनिश्चित है कि बाहर की अपेक्षा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और थोड़ा महंगा होता है, परंतु जब हमें उपज मिलती है या उस उपज का जब मार्केट में दाम मिलता है तो वो उस जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो लागत से ज़्यादा आपकी आपूर्ति हो जाती है, तो वो लागत जो है आपको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती। साथ ही साथ पॉली हाउस में अगर हम खेती करेंगे तो हम जैविक खेती भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और आप अपनी लागत जो फर्टिलाइजर्स पे या पेस्टिसाइड्स पे ज़्यादा लागत लगा रहे थे उस लागत को भी कम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये खेती करने के लिए जितनी भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, उनकी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं जिसमें वो बहुत सारा अनुदान देते हैं, साथ ही साथ प्रशिक्षण भी देते हैं। ये भी बताते हैं कि कौन सी फसल के लिए या कौन से फूल के लिए किस तरह का पॉली हाउस बनाना चाहिए और किस एटमॉस्फेयर में या किस जलवायु के लिए कौन किस तरह का पॉली हाउस जो है उपयुक्त है, और उसी हिसाब से अगर हम तीन चार तरह के पॉली हाउसेस बना सकते हैं, जैसे नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हुआ हमारा, जो कि जिसमें हम फैन एंड पैड ऐसा कुछ सिस्टम नहीं लगाते, या फिर उसके अलावा हमारा वॉक इन टनल होता है, जिस छोटी टनल्स जैसे बनाते हैं, साथ ही साथ हम शेड नेट जो होते हैं, शेड नेट में हम खेती कर सकते हैं, जैसे लीलियम जैसी क्रॉप है और उसको हम पहाड़ी क्षेत्र में उगाना चाहते हैं तो हम शेड नेट जाली छायादार जाल जो होते हैं वह उस तरह के स्ट्रक्चर बना के खेती कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इस तरह की खेती को हमारी सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है, तो किसानों को आगे आना चाहिए क्योंकि इसके लिए ज़मीन की भी ज़रूरत बहुत कम है। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है वो छोटी सी ज़मीन पर पॉली हाउस लगाकर 100 मीटर स्क्वायर या 200 मीटर स्क्वायर का पॉली हाउस लगाकर उतनी आय कमा सकते हैं जितना कि वो एक हेक्टेयर से या एक एकड़ एरिया से दूसरी फसलें लेकर, जो पारंपरिक फसलों को उगाकर जो वो आय कमाते हैं उतना वो 200 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस से कमा सकते हैं। तो एक एकड़ अगर आप गेंदा लगाते हैं या एक एकड़ या 200 स्क्वायर मीटर में आप लीलियम लगाते हैं तो उतना ही पैसा आपको 200 स्क्वायर मीटर लीलियम लगाने से मिल जाएगा जितना एक एकड़ आपको गेंदा लगाने से मिलेगा। तो आप ये समझिए कि कम जगह में खेती करना और साथ ही साथ सरकार का अनुदान मिलना, बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आपको करवाए जा सकते हैं और साथ में मार्केट में उसकी मांग बहुत ज़्यादा है और आपको दाम भी बहुत अच्छा मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इससे डरने की बात नहीं है कि ये बहुत महंगा है, और एक
लघु और सीमांत किसान ही कर सकता, लघु और सीमांत किसान भी इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप पूरी योजना के साथ और सरकार की तरफ से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लें, जो अनुदान दिया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, और फिर पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप पॉली हाउस में फूलों की खेती करते हैं तो ये जो एक सोच है या फिर एक धारणा है कि पॉली हाउस खेती जो है वो आम किसान नहीं कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल है, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आइए बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया और कुछ दर्शक थे जिन्होंने बताया कि आलू हरा पड़ जाता है, तो इसके समाधान के बारे में भी आपने बताया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से जो आपने अच्छी वैरायटी बताई है, हमारे किसानों की अक्सर ये भी सवाल आते हैं और शिकायत भी रहती है कि उन्हें सही समय पर बीज नहीं मिल पाता है, जिन किस्मों के बारे में कहा जाए जिनकी मांग अच्छी है या फिर वो ज़्यादा अच्छी उन्हें उपज दे सकते हैं, तो कहाँ संपर्क करें इसके लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया है मैम आपने। मैंने पहले भी कहा था कि आलू एक बड़ी बल्की फसल है और इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा बीज की मात्रा लगती है एक हेक्टेयर में, और अब हमारे देश में लगभग 2.18 मिलियन हेक्टेयर एरिया में जो है वो आलू लग रहा है, तो नेचुरली बीज के लिए कश्मकश तो है किसानों में, और उसमें अगर बीज नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी बात है कि एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हर क्षेत्र में कृषि अधिकारी हैं, हमारे जो राज्यों के जो ब्लॉक्स हैं उनमें कृषि अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो किसान जो है पहले जितने एरिया में आलू लगाना है उसकी डिमांड जो है वो अपने नजदीकी कृषि अधिकारी को दे दें। कई स्टेट्स में जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है आलू, तो वहां के जो हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफिसर है, उद्यान विकास अधिकारी जो है, उनको जो है अपने एरिया के हिसाब से डिमांड दे दें, तो उसकी जो है क्योंकि इसकी डिमांड जो है 6-7 महीने पहले ही बन जाती है, 1 साल पहले बन जाती है, और उस हिसाब से जो है वो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग राज्यों के जो कृषि विभाग जो है वो आलू का जो बीज है इसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि हर स्टेट के पास जो है सीड प्रोडक्शन फार्म्स हैं, या फिर वो हमारे आईसीआर का जो आलू रस्ट हमारा जो आलू संधान संस्थान है सीपीआरआई शिमला, इसके जो प्रक्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों में फैले हुए, वहां से जो है वो आलू पे ब्रीडर सीड और उसकी आगे मल्टीप्लाई करके जो है वो किसानों की डिमांड को पूरा करते हैं। तो सबसे बेहतर है कि किसान अपनी डिमांड जो है किस वैरायटी के कितने एरिया में कितनी बीज की मात्रा चाहिए वो किसान दे दें, और उसके हिसाब से ब्लॉक बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे लिस्ट बनती है और उसी हिसाब से उसकी आपूर्ति की जाती है, तो उसके लिए एक सक्षम एक नेटवर्क है पूरे इंडिया में, उसके थ्रू जो है वो ये आपूर्ति होती है, बस किसानों को थोड़ा जागरूक रहना है और अपनी डिमांड जो है समय पर देनी। जी बिल्कुल, तो किसानों को जागरूक रहना है और सही समय पर अपनी ज़रूरत जो है उसके बारे में संबंधित जगह पर बताना है, जैसा कि अभी हमें अनिल जी ने बताया। अब ऋतु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम पॉली हाउस में खेती की बात कर रहे हैं, आपने भी बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कैसे कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, लेकिन कई सवाल ये भी रहते हैं किसानों की कि ये पॉली हाउस की संरचना क्या ये टिकाऊ होती है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हम जानते हैं कभी ओलावृष्टि कभी तेज़ हवाएं, और अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में काफ़ी क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो ये टिकाऊ रहते हैं क्या? जी देखिए, पॉली हाउस जो हैं वो हमेशा दिशा देखकर बनाए जाते हैं, जलवायु देखकर बनाए जाते हैं कि किस स्थान पर किस तरह के पॉली हाउसेस बनाने चाहिए। जिन स्थानों पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो उन स्थानों पर जिस तरह पॉली हाउस की संरचना जो होती है वो अलग होती है, बजाय इसके कि जहाँ पर ओलावृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है, ऐसी जगहों के जो पॉली हाउस की संरचना है हर जगह की अलग अलग होती है। साथ ही साथ जब भी हम पॉली हाउस बनाते हैं तो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हम देख के बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो धूप है वो हमारे पौधों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश मिल सके, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो, ताकि सर्दियों में भी पौधों को अच्छे से प्रकाश और गर्मी मिल सके। और साथ ही साथ पॉली हाउस में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं कवरिंग के लिए, तो वो यूवी रेजिस्टेंस यानी कि पराबैंगनी प्रतिरोधक पॉलीथीन शीट होती हैं, तो वो जो पॉली शीट्स होती हैं उसकी जो आयु होती है लगभग 2-3 वर्ष तक होती है, तो
तकरीबन 2-3 वर्ष तक वो जो पॉली शीट है या कवरिंग मटेरियल है वो अच्छे से चलते हैं, और 2-3 वर्ष के बाद हमें उसे बदलना पड़ता है। और उसका जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इतना कि किसान उसको बियर नहीं कर सके। तो पॉली हाउसेस स्टेबल हैं और उनकी संरचना हर जगह के वातावरण को या जलवायु को देख के बनाई जाती है। और आजकल बहुत अलग अलग तरह के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डेवलप हो गई हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं और या हमारे यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में CPCT सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर बहुत सारा शोध किया जा रहा है इस बारे में कि किस तरह के पॉली हाउसेस बनाए जाएँ और किस तरह की उनमें फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिससे कि किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। जी बिल्कुल, तो कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा हो सके इसी को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके बारे में ऋतु जी ने भी हमें बताया। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे हम आपके कॉल ज़रूर लेंगे। आप सोच रहे हैं तो सोचिए नहीं, फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो जल्द से जल्द हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं उनके हम सवाल लें और आपके सवालों के जवाब अपने विशेषज्ञों से लें। आइए बात कर लेते हैं, हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, जैसे कि बहुत सारी बातें आपने बताई हमें पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को लेकर, यानी आलू की खेती कैसे करें, और साथ ही ये भी बताया कि कैसे गुणवत्ता युक्त जो आलू है वो हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं, और भी कुछ सवाल हैं वो भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी रितु जी से बात करते हैं। रितु जी, जैसे कि पॉली हाउस में हम फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं जो भी किसान जिनके बारे में जागरूक नहीं है, अगर उसके बारे में बताना चाहें हमारे किसानों को। जी, मैं बताना चाहूँगी, जैसे हमने अभी बात की पॉली हाउस में फसलों को उगाने की, फूलों को उगाने की, फूलों को उगाने के बाद कटाई करना कि कटाई की अवस्था और कटाई उपरांत उनका प्रबंधन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसान ने फूल उगा लिया, अगर वो फूल हमारा मार्केट तक उसी अवस्था में नहीं पहुंचा, उसी गुणवत्ता के साथ नहीं पहुंचा, तो किसान को उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ये समस्या हम देखते भी हैं, क्योंकि फूलों की या फिर फलों की सब्जियों की शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ख़ासतौर पर फूल तो वैसे इतने नाजुक होते हैं, तो अगर उनकी पैकेजिंग अच्छे से ना की जाए, उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ना हो,
तो समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हमारे किसानों को हो सकता है। तो जो ये कटाई या हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रबंधन है, ये किस किस तरह से महत्वपूर्ण है और कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स इससे जुड़े? जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फूलों की कटाई करना। देखिए, जो भी फसल है उसकी एक उचित अवस्था होती है, अगर आप उस अवस्था पर फूलों की कटाई करेंगे तो आपकी जो प्रोड्यूस है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके फूलों की घटक आयु बहुत बढ़ जाएगी और आपको उसका मार्केट में मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि अगर आपका आपको अपनी लोकल मार्केट के लिए फूल काटना है या आपको निर्यात के लिए फूल काटना है, तो दोनों की एक अलग अवस्था होती है जिसमें फूलों की कटाई की जाती है और हर फूल के हिसाब से, हर फसल के हिसाब से वो वेरी करती है। दूसरी बात, जब भी हम फूलों को काटते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि जिस कैंची का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैंची बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो, उसमें कोई भी विषाणु या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि अंश ना हो। हाँ, विषाणु का कोई अंश नहीं होना चाहिए जो कि फूलों में कट कर और रिस जाए फूलों के अंदर, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ और वेज लाइफ कम हो जाए। स्टेरिलाइज एक तरीके से, जी 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 जी, चाहे आप उसको अल्कोहल से स्टेरिलाइज कर लीजिए या आजकल तो सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से भी सैनिटाइज कर सकते हैं। और उसके बाद फूलों को काटने के बाद के तत्पश्चात ही हमें एक बकेट में पानी लेकर, साफ पानी लेकर बाल्टी में, उसमें फूलों को इमिजिएटली रख देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पानी में फूलों को नहीं रखा काट के तो क्या होता है कि जो फूल की डंडी होती है उसमें वायु का संचार हो जाता है और एयर बबल उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद अगर हम फूल को पानी में भी रखेंगे तो वो पानी का अपटेक नहीं होता और पानी अवशोषित नहीं होता है तो फूल जो है वो जल्दी से मुरझा जाता है। ठीक है, तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। काटने के बाद फूल को ठंडी जगह पर रखना है, कोशिश करें कि किसी छायादार जगह पर रखें, ठंडी जगह पर रखें, ताकि जो खेत की गर्मी है वो निकल जाए, क्योंकि अगर खेत की गर्मी फूलों में रहेगी तो फिर वो जो है अच्छी अवस्था में मार्केट नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए खेत की गर्मी निकालकर उसको 2-3 घंटे तक ठंडे जगह पर रखकर उसके बाद उनकी ग्रेडिंग की जाए, लंबाई के हिसाब से, डंडी की लंबाई के हिसाब से, फूलों के रंग के हिसाब से, फूलों की बड के आकार के हिसाब से उसका वर्गीकरण और श्रेणीकरण किया जाए। अगर ग्रेडिंग करेंगे तो ए बी सी ग्रेड की अलग अलग मार्केट में जो दाम है वो मिलता है, तो ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। और ग्रेडिंग के बाद हमें अच्छी तरह से उनका पैकेजिंग करना चाहिए और लेबलिंग करना चाहिए, क्योंकि आज देखते हैं हम मार्केट में हर चीज़ का अगर सुंदर सा लेबल हो, सुंदर सी पैकेजिंग हो, तो हर जो व्यक्ति है वो आकर्षित होता है। बिल्कुल, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो आकर्षण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छी लेबलिंग करें, पैकेजिंग करें, उसको कोल्ड स्टोर में रखें और कोल्ड रेफ्रिजरेटेड वैन्स वगैरह में उसका ट्रांसपोर्ट करें, तो संभवतः बहुत ही अच्छा किसान को फायदा मिल सकता है और फूलों का रोजगार अच्छे से आपको बहुत अधिक आय दे सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम कह रहे हैं कटाई उपरांत जो प्रबंधन है उससे जुड़ी बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फूल इतने नाजुक होते हैं कि उसमें आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ज्यादा समय नहीं होता है उनके लिए। आइए बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, कुछ ऐसे बिंदु जो कि आपको लगता है कि हम चर्चा में अभी नहीं छू पाए हैं या फिर हमारे दर्शक उससे जुड़े सवाल नहीं कर पाए हैं जो कि आप हमें बताना चाहेंगे? जैसा कि मैडम ऋतु ने बताया है आपको कि पोस्ट हार्वेस्ट का बहुत महत्व है, जी, जी। तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि जब भी किसान, जब आलू की जो है वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, निकालने का समय आता है, तो वो जो, क्योंकि हम लोग 10-12 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं आलू में, तो हम लोग जो है एटलीस्ट 10-12 दिन पहले जो है, जब भी आलू आपका तैयार हो जाता है तो उससे 10-12 दिन पहले जो है उसमें पानी देना बंद कर दें। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा किसानों को, क्योंकि उसके जो ऊपर के जो हल्म्स होते हैं, जो उसका जो पत्ती या टहनी होती है, उसको जो है वो डीहल्मिंग कर दे एक समय आने पे। उससे क्या होता है, आप लोगों का जो आलू का भरान और उसका जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लागे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए जो है उसको स्टोरेज किया जा सकता है, शेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जो खुदाई के बाद जो आलू की किस तरीके से शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और कैसे लंबे समय तक इसे स्टोर किया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता भी बनाई रखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और डॉक्टर रितु, आप भी स्टूडियो में आई, आपने भी पॉली हाउस में फूलों की खेती पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन हेलो किसान में कल का हमारा विषय क्या होगा, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है डेयरी फार्मिंग। इसके अलावा बात करेंगे भेड़ बकरियों से कैसे बढ़ाए आय। दोनों विषय पर हमारे विशेषज्ञ होंगे, एक घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें और हमारे पेज से जुड़ जाएं, और वॉल पर मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप बताते हैं आपको हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113-060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें। ये हमारा हेलो किसान टोल फ्री नंबर है, कॉल सेंटर नंबर है। यहाँ कॉल कर आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि अब आप हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के यूट्यूब चैनल पर देखें हेलो किसान। इसके अलावा भी अन्य कार्यक्रम जो DD किसान पर प्रसारित होते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।